चक्कर काट रहे हैं। और कल मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहीं कहा होगा खट्टर साहब ने, और प्रशासन की तरफ से आया बोला हमने बोला पेंशन चालू कर दिया, मुख्यमंत्री के आदेश आगे हैं और हमने ग्रीवेंस बना रखा है। तो हम ये बता रहे हैं इस बात को मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब और हरियाणा सरकार और प्रशासन इस बात को अच्छी तरह समझ ले, कोई बड़ा बुजुर्ग विकलांग विधवा अब ऑफिसों में चक्कर नहीं काटेंगे। गलती तुम्हारी, गलती इन लोगों की नहीं है। बार बार चक्कर काटे जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इसलिए अब कोई चक्कर नहीं काटेगा। और चक्कर जागा था सीधा रेस्ट हाउस में ले जाकर बैठाऊंगा मैं इन बड़े बुजुर्गों ने, मैं बताऊंगा अपने, ये आप सरकार तक मैसेज पहुंचा देना। रेस्ट हाउस में ये नेता अधिकारी बैठे हैं ना, ईब जिसकी समस्या होगी वो रेस्ट हाउस में जाकर बैठेगा। ये कोई भी नेता रेस्ट हाउस में जाने से पहले सोच लियो, किसी भी टाइम पर समस्या लेके उठा रेस्ट हाउस में आओगे। और सरकार को हम ये टाइम दे रहे हैं, कनागत लाग जाए काल तय सराद। अगर ये समस्या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सराद सराद दाम है, और 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, सुन लियो आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट दें, जिसकी भी समस्या है चाहे विधवा पेंशन को लेके है, चाहे दिव्यांग को है, और चाहे बुढ़ापे को बुढ़ापे पेंशन है, उनके घर जाकर ठीक होगी। या तो सरकार ये बात कह दे, अब जिसकी भी समस्या है, ये सिस्टम पूरा का पूरा ये सेक्रेटरी पे गए और दुनिया भर किला रखे हैं, इनका क्या काम है पता करो, गांव गांव जाके अलग अलग जगह, चाहे कस्बे की बात है शहर की है, गांव जाकर पता करा सरकार अब किसकी कटरी है। जिसकी भी नाजायज और गलत तरीके से कटरी है उसकी पेंशन को गांव में जाकर ठीक करना पड़ेगा। कोई चक्कर नहीं काटेगा इनके, पागल बना रहे हैं, फद्दू बना रहे हैं, चक्कर काटे हैं। जा जा गुड़े लोग नुके जी मैं जिंदा हूं, अरे ये नुके ना तू तो मर रहा है। तो ये बता रहा हूं मैं, एक फूफा नहीं 15,000 फूफा तैयार बैठे हैं, मोड़ बांध गई सरकार को ये बता देता हूं मैं। अगर ये काम नहीं करती है 24 घंटे में सरकार की तरफ से ये नहीं आता है, तो लास्ट श्राद्ध को इस सरकार का खट्टर साहब का इनका श्राद्ध करेंगे हम। कनागत बेरा होगा, कनागत कहा अगर इनने लास्ट कनागत लास्ट श्राद्ध इस सरकार का करेंगे, बुढ़ा ने लेकर दिव्यांगा ने लेकर सबने इकट्ठे करके। अब ये जो पीपीपी मॉडल आया इसमें इनकी क्या कसूर है, इनकी क्या गलती है, किसी का नाम गलत, किसी का अकाउंट गलत, किसी ने जिंदा दिखा दिया, किसी को मरा दिखा दिया, किसी ने मरे उड़ने जिंदा दिखा दिया, फिर उड़ा जाओ उन्हें ठीक करवाना था उसके लिए पैसे दो इनने, के मतलब है। और ये दादा दुलीचंद ने तय करा है कोई पेंशन नहीं लेंगे जब तक ये सारे बुजुर्गों की पेंशन का समाधान नहीं हो जाता। सरकार से एक रुपए की जरूरत नहीं है, यो 102 साल का आदमी है कती जरूरत नहीं है भाई। सरकार जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी समस्या का जितने भी मुर्दे बना रखे हैं ना सबको सरकार जिंदा करे। हम ये सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं और बता रहे हैं जो गलती कर रखी है अपनी ना ठीक कर लो। अगर सरकार ठीक नहीं कर सकती, कोई डीसी के उड़ा एडीसी के चक्कर काटा नहीं काटा कोई भी चक्कर है, तो साथियों अपने दादा ने तो 2 किलो दूध चाहा अगर रोज 2 किलो दूध हर महीने का 2 किलो घी हम देंगे अपनी तरफ पे, कोई सरकार की जरूरत नहीं है। अब ये 102 साल का दादा दुलीचंद सरकार का फूफा सारे बुजुर्गों की लड़ाई लड़ेगा, और 24 घंटे का टाइम है, पूरे हरियाणा में लेके जाएंगे, दिल्ली भी लेके जा सके, मैं पहले बताऊंगा आपने कितने भी ले जाऊं हम कती भाग लेने कह दी मैं रहा था ढोलिया टाइम जो होना था। सोच के देखो जो आज 65 साल का है वो चक्कर काट रहे हैं, वो क्या किस जागा भाई, कोई 70 साल का है। और सरकार ये जो पेंशन का सिस्टम कर रही है सरकार को, ये मैं एक चीज और बताता हूं, ताऊ देवीलाल ने ये काम शुरू करा था बुजुर्गों के लिए, आज ताऊ देवीलाल की भी आत्मा रो रही होगी, और ताऊ देवीलाल के नाम से वोट खाने वाले लोग आज नोट खा रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहा कोई भाई, क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे? अरे मुख्यमंत्री जी 102 साल का है, थारे जोड़ जोड़ते इसके पोते हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री खट्टर साहब और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी सुन ले, पड़ पोते हो रहे हैं तेरे जोड़ जोड़ते इसके। हरियाणा के इतने हजारों बुजुर्ग परेशान कर रखे हैं और कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। अपने आप एशिया में बैठे रहते हैं, अपने आप रेस्ट हाउस में बैठे रहे हैं, तो क्या मतलब है यो? मेरे पास अलग अलग जगह से, मैं आपको बताऊं, एक महिला का अभी फोन आया था मेरे पास, उसके बेटे का आया। वो महिला 40 साल से डिसेबल है, ना सुनता ना बोल सकती बेचारी, उसकी पेंशन काट रखी है। आप सोच के देखो। और जब जावे हैं नुका देना ना, या तो सही नहीं, इसका यो डॉक्यूमेंट लाओ इसका। अरे क्यों पागल बना रहे हो लोगों ने? तुम्हारे पास इतना मैकेनिज्म, इतना सिस्टम होना चाहिए। अब इस तरह के लोगों की घर जाकर तुम समस्या का समाधान कर सको। तो भैया भी बता दी, अरे भाई विपक्ष के लोग अभी एक बात कहें हम, यो ताऊ है, इसने सब कुछ देख रखा। दादा लक्ष्मीचंद के सांग इसने सुन रखे, आजादी का आंदोलन इसने देख रखा, महात्मा गांधी इसने देख रखा। 1920 का जन्मदिन है इसका, 1920। सारे राजनीतिक आंदोलन देख रखे, सारे आंदोलन इमरजेंसी इसने देख रखी, सारे नेता देख रखे, सब कह मैं भाग लिया करता रहे हो। यो उस टाइम पे फोटो थोड़ी देख, फोटो खिंचवा के नहीं दिखावा मैं यो हूं मैं यो हूं। वो तो जिन दौरे जो था करके आंदोलनकारी रहा है। यो मैं आपको बताऊं, आंदोलनकारी सब तमिल रहे हो, श्री राम शर्मा अपना जाट जलानी आला और फूल जाट जलानी आला, श्री राम शर्मा, नेकी राम शर्मा, भगोदयाल शर्मा, देवीलाल, सबकी गल काम कर रखा, सबकी गल इस आदमी ने। लेकिन उसके बावजूद एक आदमी को यह बताने के लिए ये दिखाना पड़ रहा है अग मैं जिंदा हूं। और ये सुन लियो, इतनी बरात लगड़ेंगी सरकार ने बताऊं हूं मैं, एक बरात थारे बस में नहीं आई है। इतनी बरात निकलेंगी अग समझ में नहीं आओगी सरकार को। अरे और सुनो, जो उनके छोरे हैं पोते हैं उन भी कहूं भाई, किसा भी बूढ़े गल्ला बुजुर्ग गल्ला अन्याय हो रहा है, खड़े हो। जब 102 साल का आदमी, मैं गया मना पता करा बात का, तो न्यूब मन कही मैं ठाऊंगा तेरी बात, मैं पेंशन दवाऊंगा। मेरे तबेरा के बोला दादा न बोला ना भाई, हाथ पा चलना ही भाई मेरे, मैं भी चालूंगा गल्ला। कितनी बड़ी बात है यार, 102 साल का आदमी अपने हक के लिए खड़ा हो जाए। तो इनके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, चाहे विकलांग हैं, चाहे दिव्यांग हैं और चाहे विधवा हैं, इनके जो भी जानकार घर में हैं और हैं बाहर हैं, इनको आवाज उठानी चाहिए उनको लेकर। ये हमारा फर्ज है, कोई हमारे बुजुर्गों को सरकार परेशान करे और हम चुपचाप घरा बैठे रहे, कायर हैं ऐसे लोग, बता रहा हूं मैं कायर। कोई विकलांग है उसको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, सरकार चक्कर कटवा रही है, उसकी कोई हेल्प नहीं करता, तो इसका मतलब समझो कायर हो आप लोग। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूं, सीधी बात है, ये अक्की लड़ाई है, अक्की लड़ाई। और जो उनके रिश्तेदार हैं, जो जानकार हैं, बालक्स हैं, सब नाना पड़ेगा। हम देखेंगे इस सरकार ने क्यों मुर्दे घोषित करा है, या सरकार मुर्दा है। मैं आपको बताऊं, ये सरकार मरी हुई है, यो 102 साल का दादा ना मर रहा, सरकार मरी हुई है या अरे सरकार ने हम दिखा देंगे चक्कर मरी ओढ़ है। दोबारा फिर नोट कर लो, लाश श्राद्ध कनागत इस सरकार का काट देंगे। अरे एक मिनट भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, इसके अलावा विपक्ष और जो ये पार्टियां हैं, जो ये झंडे ठाए घूमे हैं, इनको मैं कहूंगा ये मुद्दा है भाई बहुत बड़ा, आईजेक कर लो। हमने तो मुद्दा बता दिया, थर थर ठा लो, हमने जितना ठाएगा ठा लिया, आगे भी जितनी कोशिश होगी वो ठावेंगे। लेकिन हमने कहा भाई कर लो इसने आईजेक, क्यों ना बोलता कोई सरकार के खिलाफ। अरे ऐसा के गलत काम कर रहे हो, तुम के खा रहे हो ऐसा? सीबीआई से डरो हो, ईडी से डरो हो, पुलिस से डरो, किस से डरो हो? हम ना डरते भाई, मार दो भेज दियो सीबीआई और ईडी जो भी है, हम लठ लेके बैठे हैं कतिया, हम ठावेंगे।
तेरे मेरे तेरे न्यू फोन आज देंगे तो इसे फोन आओ पर रण दे इतना क्या था वो बोल रहे सरकार के खिलाफ ने कत्ती न्यू ये बोल रही है भाई भोलेनाथ के भगत हैं दादा परशुराम के चेले हैं कत्ती जितने भी बुजुर्ग हैं। अरे एक चीज और कहूंगा मैं ये जो देवीलाल के नाम था ये देवीलाल ने शुरू करा था ये सिस्टम बुजुर्गों के लिए इब एक चीज का बोला ना इसकी बोला इब किसी ने फार्म में वो भर दे ना बोला 1.5 लाख 1-0 फालतू लाख ला दे 1-0 फालतू बोला 15 लाख होगी बताओ किसकी गलती हुआ टेक्निकल। और मैं ये कह रहा हूं जो देवीलाल के नाम से देवीलाल की आत्मा रोती होगी आज देवीलाल के नाम से वोट खाने वाले लोग आज बुजुर्गों के ऊपर संकट आ रहा है कि थे भाई सरकार में बैठे वे नहीं बोलते। तो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं अक भाई कि तय किसा का पैदा हो तो कोई वो नहीं यार बात है लड़ाई की बात है संघर्ष की और 102 साल का जो बुजुर्ग हमने ये दिखा दिया और हम तो इन दादा प्रेरणा लें जब 102 साल का न्यू कहे ना अक भाई ना तू ये ठाओगा मेरी गलना चल पड़ी है मैं भी आऊंगा बहुत बड़ी बात है आज के दिन कोई अपनी खाट पर उठ के पानी ना पीता और 102 साल का उठ रहा है और अब ये इन सब बुढ़ापा पेंशन विधवा पेंशन और दिव्यांग इनका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया हमने 102 साल के आदमी के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। वह एलिजाबेथ मरगी 96 साल की थी शान शोकत रानी महारानी सारी दुनिया की फलाना दखड़ा सब कुछ था 96 साल में मरी है। अरे मारा दादा तो 102 साल का है तो इसके तो जीवन के ऊपर रिसर्च हूं तो 104 का है 102 का था कागचा में है यो 104 साल का है और चाल का आवा है किसा ये सारे की बिजरूत को न्या तो रिसर्च होनी चाहिए ऐसे आदमी पर कैसा जीवन जिया के खाया के पिया के कराया के ना कराया 100 साल तो ऊपर का आदमी है तो दस ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए बना रखिए ना के है ब्रांड एम्बेसडर बना रखे हैं बोला यो ब्रांड एम्बेसडर यो ब्रांड अरे इस तो बड़ा कौन ब्रांड एम्बेसडर है 100 साल तो ऊपर का था हर आदमी हर महिला ब्रांड एम्बेसडर होनी चाहिए। हरियाणा का मतलब क्या हरियाणा का मतलब अच्छा खाना पीना अच्छा स्वास्थ्य लेकिन मारने पर उतर रहे तन ते पैसे नहीं दिए जाते कटोरा ठा लो थरता बुढ़ा के पैसे नहीं जाते मारो भी क्यों हो इन तो साथियों हम तो यह कहे हैं भाई एक तो यह होगी अरे के ये जो कह रहे हैं ना कि भाई हमें वो कर दिया है हमने मैकेनिज्म शुरू कर दिया है ये कोई मैकेनिज्म पकेनिज्म कुछ नहीं है कोई बुजुर्ग जो है वो हमारा जाओगा नहीं और ये फैमिली आईडी के नाम से ये पीपीपीपी के नाम से जो बकवासबाजी की जा रही है और लोगों को परेशान किया जा रहा है इसका जिम्मेदार सरकार है वो लोग नहीं है। हम यूं ना कह रहे बेटा मैं जायज मतलब कोई नाजायज वो करो नाजायज की बात नहीं जो जायज चीजें हैं जायज जो हकदार हैं उनका हक मारा जाएगा था हम कति लट्ठा गए सोटा ठा गए फरसा ठा गए खड़े हैं। अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं ये तो दादा हैं ये दादा ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बिन दो रहा हूं ये बस शिकायत सबसे पहला यो हमने नंबर जारी करा है 70-27-811-811 दोबारा नोट कर लियो 70-27-811-811 किसा ने भी इस तरह के किसके साथ है किसा की दिव्यांग की कट रही हो गलत किसा की बुढ़ापा पेंशन कट रही हो गलत किसा विधवा की कट रही हो गलत तो हमने बताओ भाई हम आवेंगे हम करेंगे समाधान। अभी आप लोगों के सामने एक और बड़ा मामला मैं लेकर हूं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 15,000 के करीब लोगों को इसी तरह से काट दिया किसा का कुछ गलत कर रहा क्या किसा कुछ गलत कर रहा क्या आखिर में मरा दिखाओ आदमी हंडे गाओ बदला बला सबूत ला बता भाई आदमी कित तक के सबूत ला भाई के करे इब जो दिव्यांग जिस तक चलना नहीं जाता वो कित जागा एक विधवा है बेचारी वादा क्या खाती अंडे ही रहे दादा हो गया 102 साल का दिखा दिया आप लोगों ने बता दी। अब सुनो ये भाई हैं राकेश ये भाई ये जब दादाजी का मामला उठा रही है मामला वो होया तो यो दादा दो रहे आया एक के काम गए हैं नला मेरी गल ने भी नहीं कर रखी है यो जिंदा है ना जिंदा भाई जिंदा हूं ए भाई बोलिए कि जिंदा है जिंदा हूं जिंदा है ना दो तीन बे कट्ठा बोल जिंदा हूं
यो तो फूफा हो गया, तुम ने की बनाओ सरकार का बेटे बना देते हैं। यो की है भाई, जिंदा है ना, जिंदा है, दिव्यांग है। इब सुनो, यो है इसका, यो तो सरपंच का है, यो पाछे हले इसने लिखवा के दिया, आ कर रहा है मैं जिंदा हूं। सरपंच ने लिख के दे दिया भाई हाँ जिंदा है, यो सरपंच का अंदर आके ये साइन है। यो है इसका आधार कार्ड, राकेश का के है आधार कार्ड। यो है पैन कार्ड और यो इसकी पासबुक। तो मेरे यहां समझ में नहीं आ रही बात है कि सरकार के कितने तो फूफा बनाएंगे, मेरे तो समझ में नहीं आ रही है। ये फैमिली आईडी है, ये आपको वैसे डॉक्यूमेंट में भी उसमें भेज दी जाएगी। बाकी इसे ये जो आधार कार्ड ये यहाँ पे एक बार फोटो ले लेना, इनसे आपको पता चल जाएगा। इसको डेड दिखा रखा है, हाँ इस आईडी में, पेंशन आईडी में इसको डेड दिखा रखा है। बताओ भाई, हाँ के कर रखा है, एक कोड ने लिख रखा है नाम राजेंद्र, एक कोड ने अकाउंट नंबर दे रखा है इसका ओरिजिनल राकेश। कई बार चक्कर काट लिए भाई, बताइए एक बार। तीन चार बार कर लिए के क्या है, शुरू में तो बोले जो है आप मृत घोषित कर रखे हो, हाँ सरपंच दौरे लिखवा कर ले, हाँ सरपंच दौरे लिखवा कर ले आया, बोले ऐसा है फैमिली आईडी ले, हाँ फैमिली आईडी ले आया, वह जमा करवाई, बोले लेटेस्ट ले आ, हाँ फिर लेटेस्ट लेने ले गया, हाँ फिर वह जमा करवा दी, फिर बोले ऐसा है, बोले आपका नाम गलत है, बोले नाम कहो करवा कर ले, फिर वो एफिडेविट दो, फिर वो एफिडेविट भी जमा करवा दिया, बोले आप जो ना 5-6 महीने लगेंगे, बोले प्रोसीजर लंबा। बताओ कौन है इसका जिम्मेदार? ऐसे ऐसे 15,000 केस है हरियाणा के। अरे ये तो जिंदा बैठा है, मुर्दा कौन है? एक सरपंच भी लख दे दे, लख के दे दे तो कहे सरपंच की कोई वानी है भाई। एक जब गांव के सरपंच ने लख के दे दिया, मतलब जो ये पीपीपी ये फैमिली आईडी बनाने लग रहे हैं गलत करके, फिर अगले ने 6 महीने में मर जाए दर आदमी। ये भी 102 साल का बूढ़ा है, हैं? यो इनका फूफा, सरकार का फूफा 102 साल का है, आदमी का 50 साल का ना, मेरा कद कौन सा लटक जाए। तो ये केस और मेरे पास जितने फोन आ रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये आज के दिन इतने लोग चक्कर काटने लग रहे हैं, इतने महंगाई हुआ है, भाड़ा लाओ है बेचारे, गर्मी इतनी हद है, तो उम्र लेंगे चक्कर काट काट के मर जाएंगे लोग। इन तो बैठे हैं अपने एशिया में, इन के लेना देना है भाई। तो सरकार को हमने बता ला रहे इतनी बरात लगड़ेंगे, इतने थरे फूफा इकट्ठे कर दूंगा, अब जिंदगी भर याद रखेंगे। मुख्यमंत्री जी बताने लग रहे हैं, इस बात ने नोट कर लिए, जितने भी ये केस हैं या तो अनाउंसमेंट कर दे, अगर हम तुरंत कर रहे हैं, और कोई चक्कर में जितने भी इसके माध्यम से निकू भाई, जितने भी उनके परिवार के और लोग सुन लग रहे हैं, किससे ने चक्कर मत कटवाओ। अब समाधान होगा तो चक्कर काटेगा तो कोई नहीं, सीधा रेस्ट हाउस है हर डिस्ट्रिक्ट में, रेस्ट हाउस में जाकर बैठेंगे, मैं लेकर चलूंगा। अरे मोड़ बांध गए, सबकी बारात कटवाएंगे, सबकी बारात हरियाणा के अंदर। अपने बैंड वाला ना रेडी रखो, और बैंड की धुन भी बन गई है, बढ़िया धुन है, बढ़िया बैंड है, और वो इतने फूफे बना देंगे इस सरकार के, इतने फूफे के इतने जमाई बनाओगे, समझ में आओगी ये मामला। आगे बताओ भाई, आपने जो बारात निकाली थी, उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ? रिएक्शन हुआ मेरे द्वारा 100 फोन आ लिए एक मिनट सर, वो तो सरकार ने तो उस दिन कर दी भाई, ठीक है हम प्रोसेस में हम कार्रवाई करेंगे, और बोला पेंशन तो उन्होंने कह दी भाई, वो तो इनका हुआ लिया ऑफिशियल, वो सारा मामला हमने सुलट दिया है। अरे एक दुली चंद का मामला कौन है? 15,000 फूफा दुली चंद है, तो 147 सही करी है, 15,000 है। हाँ तो मैं बताऊ ये जितना करे हमने जिनकी ना हो रही वह बताओगे हमें, सरकार यह बताओ कि इतना ही कर दी हमने। एक बारात निकालने पर 147 लोगों की निकाली, तो 100 के करीब बारात निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक बारात निकालने पर करीब 150 लोगों की पेंशन बहाली हुई है, तो करीब 100 बारात निकालनी पड़ेंगी।
ताकि 15,000 सरकार के फूफा हैं जो उनकी पेंशन की बहाली हो जाए। और हम इस चीज के लिए बता रहे हैं, चाहे कोई बुजुर्ग है और बुजुर्ग हमारा धक्के खावे, हमने यह बात सहन नहीं है। कोई विधवा है बेचारी, वाह धक्के खावे चक्कर काटे, ये बिल्कुल सहनीय नहीं है। कोई विकलांग है, दिव्यांग है, ईबीओ भाई है, इसका नोट कर लो भाई, बताओ ये मर्या दिखा रहा क्या है, दिखाइए भाई, भाई हंस के दिखा दे भाई, आज थोड़ा हा आज ही एक बार देखियो भाई हंसे है। अरे क्या थारा फूफा जिंदा है? थारा फूफा जिंदा है, करड़ा है बोलने नहीं, थारा फूफा जिंदा है। हाँ बताओ, ये बताओ क्या करूं मैं, कितने फूफा बनाएंगे भाई मुख्यमंत्री के, बताइयो इस सरकार के। तो ये तो मैं तो कुछ भी कौन है, जब मारे तो रही इतने आने लग रहे हैं ये मामले, इतने फोन आ गए, और ये तो के बरा कितने कितने आओगे। तो ये जो फैमिली आईडी के नाम पर लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, जिंदा लोगों को मारा जा रहा है, मारे हुए लोगों को जिंदा किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपको बताऊं, ठीक करने के बताओ 5,000 रुपये का रेट कट रहा है, क्या 2,000 में ठीक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मामला चल रहा है। तो इसलिए हम सरकार को यही कह रहे हैं, चेता रहे हैं, बता रहे हैं, आगे जो कुछ करेंगे फिर हम करेंगे। दादा ने जीवन मारा, दादा ने जो है ना यो जीवन के दादा का जो है आशीर्वाद है हमारी गल दादा का, और दादा पूरा आशीर्वाद दे सरपाद रखे वे, सरपाद रखे आशीर्वाद दे दे सरपाद देख वे, आशीर्वाद दे दे दोनों हाथ सरपाद दे मेरे, पुचकार दे वे, पुचकार बता दे कान में बता, पुचकार देश ने भाई ने नवीन ने पुचकार दे शर्पा था, दोनों इस्ते भी इस्ते भी दोनों आदे है। हाँ देख दादा की सारी शक्ति आ गई है मारे में, ठीक है जो दादा की बात से वो हम कहेंगे ही पे अच्छी लाला कहेंगे, दादा की सारी शक्ति हमने ले ली। अरे ईब लोगों के लिए लड़ेगा दादा, ठीक से, और हम होंगे इनके सारथी, बता दी भाई। मैं नरेश कुमार भाई, हाँ एक मेरे दादाजी हैं, हाँ और ये दादाजी का कहना है कि अब ये पेंशन की लड़ाई अकेले दादाजी की नहीं है, पूरे हरियाणा की लड़ाई दादाजी लड़ेंगे, जब पेंशन लेंगे, जब पूरे हर आदमी को जिसकी पेंशन कटी हुई है हर आदमी को पेंशन मिल जाएगी जब ये पेंशन लेंगे। और इनकी तरफ से अब आशीर्वाद देते हैं, नवीन भाई लड़ेंगे, अपना सारा आशीर्वाद सारी शक्ति नवीन भाई को देते हैं। पेंशन बहाल हो गई है? अभी नहीं हुई, अभी अधिकारियों ने आपसे बात की हो या कुछ आश्वासन दिया? अभी तक बहाल नहीं, आश्वासन लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि इनकी पेंशन तुरंत बहाल कर दी गई है और 147 लोगों की भी बहाली है। अभी तो बहाल नहीं है, हरियाणा और पी ने आश्वासन दिया, बहाल हो गई है। हां पी खींच दे ने, बहाल हो गई है, खींच दे 147 खींची नहीं है ले भाई, रे दादा देख पता कर लेते हैं। यो दादा पाइया घी खाया करता, 2 किलो दूध प्यारता, 2 किलो दूध की मारी जिम्मेदारी, 2 किलो घी पूरे महीने का, हलवा खावा है, चूरमा खावा है, स्वास्थ्य की बता दूं, 4 बजे उठा है, रात ने 9 बजे सो जा है, और मैं नत करे जहाँ 102 साल का ना दहली जो पे थी 96 साल की लुटक गई, बताओ है। आज आज दे लोग पाइया दूध 100 ग्राम दूध ना हजम होता, 102 साल का दादा दूध देख के ऊपर खींचने लग रहा है। हम लगे को नहीं बपरे, वो अलग बात है, 15 साल होगी होगी कोई बात नहीं, होगी क्या कि मैं शांत थोड़ी हाँ जी बोले चल। ये उनका क्या हलक के पोता बोल रहा है जी, क्या कर दिया जी, क्या आ गई अकाउंट में? और कितने लोगों की है जी इसके साथ?
हाँ कितना योर ली है बताइए ना। और कल उन्होंने कहा ना हुआ था उस दिन भी क्या परसों ही कह उसी टाइम बोला था वो तो परसों ही कह दिया था वहां पे बात भाई आज निकल लो दूध खाली कर दिया ये और अपना दादा बलिचंद्र यो लड़ाई कराई खट्टर साहब ने पिवा दो यो जो खट्टर साहब जो पी ले थे आज दागल लो जो पी के ना दस्त लाग जाते बता दियो पिवा दो खट्टर साहब ने ये भाई उठ लियो ना बीच वाला करूंगा मैं इसका वो ले लो जो दिव्यांग वाला है। हाँ।